फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। फ्रेंड्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक दिन में जूं भगाने का रामबाण घरेलू नुस्खा। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे जिन्हें अपना कर आप हमेशा खूबसूरत और फिट रह सकती हैं। घने चमकदार और घुंघराले बाल किसी के भी व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन किसी भी कारण से बालों में अगर कोई समस्या आ जाती है तो इससे न केवल व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है बल्कि साथ में स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या बालों में जू का होना है। दरअसल जू एक छोटा पैरासाइट होता है जो बालों की जड़ों में चिपक कर सिर की त्वचा से खून चूसकर जिंदा रहता है। बच्चों से लेकर एक वयस्क तक को इस बालों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो किसी भी मौसम में बालों में जू हो सकती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बरसात और गर्मी के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण इन दोनों ही मौसम में सिर में पसीने और गंदे पानी के कारण बालों में चिपचिपापन ज्यादा रहता है। यही चिपचिपापन सिर में गंदगी कर देता है और जू के पनपने का कारण बन सकता है। सिर में जुए होने का लक्षण यह है कि जिस किसी के सिर में जुए हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति हर समय सिर खुजाता रहता है। यह देखा गया है कि एक बार अगर सिर में जुए हो जाती हैं, तो उनसे सिर को साफ करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हमेशा सिर को साफ रखा जाए और सिर में किसी भी प्रकार का गीलापन न रहने दिया जाए। वैसे तो देखा जाए जू एक बहुत छोटा सा जीव है, लेकिन इसका बालों पर और बालों की सेहत पर बहुत नुकसान होता है। एक बार अगर सिर में जुएं हो जाती हैं, तो फिर एक महीने में सिर में 50 से 500 तक अंडे दे देती हैं और ये अंडे 10 दिन में नए जुएं बन जाते हैं। जुओं के इन अंडों को लीक कहा जाता है। वैसे तो विभिन्न प्रकार के शैम्पू और केमिकल की मदद से जुओं को मारा जा सकता है, लेकिन इसका बालों की सेहत पर बुरा असर होता है। इसलिए जू मारने के उपाय के लिए प्राकृतिक उपायों को ही अपनाना चाहिए। तो वही जानते हैं जुए को मारने का नुस्खा। लहसुन। लहसुन का उपयोग जुओं और लीकों पर प्रभावशाली तरीके से असर करता है। लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से पीसकर उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में एक चम्मच नींबू के रस को मिला लें। अब तैयार पेस्ट को अपनी उंगलियों की सहायता से बालों की जड़ों में लगा लें। यह पेस्ट जुओं और लीकों को जड़ से समाप्त करने में समर्थ होता है। आधे घंटे तक इस पेस्ट को सिर पर लगा रहने दें और उसके बाद हल्के गर्म पानी से सिर को धो लें। इसके असर से जुएं हमेशा के लिए सिर से खत्म हो जाएंगे। बेबी ऑयल। बेबी ऑयल का उपयोग सिर की जुओं पर जादुई असर दिखाता है, इसीलिए छोटे बच्चों के सिर पर इस तेल की मालिश बहुत असरकारक होती है। सिर की जुएं साफ करने के लिए इस तेल की सिर में अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। इस तेल से छोटे जुएं भी साफ हो जाती हैं। इसलिए नेचुरल तरीके से जुएं साफ करने के लिए बेबी ऑयल एक अच्छा उपाय है। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का प्रयोग करने से सिर की जुएं भी साफ हो जाती हैं और बालों की भी चमक और सेहत पर अच्छा असर होता है। सिर में ऑलिव ऑयल तेल की मालिश करके सिर को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और अच्छा असर दिखने के लिए तेल की मालिश रात को भी करी जा सकती है। तेल की मालिश के बाद सिर को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। ऑलिव ऑयल जुओं को तुरंत खत्म कर देता है। नमक। नमक के उपयोग से भी सिर की जुओं को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए थोड़े से नमक में एक चम्मच सिर का मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को उंगलियों की सहायता से सिर की जड़ों में लगाएं। आधे घंटे तक इस पेस्ट को लगा रहने दें और इसके बाद हल्के गर्म पानी और शैम्पू के प्रयोग से धो लें। नमक का उपयोग सिर की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली भी
सिर की जुओं को मारने का घरेलू उपाय है। इसके लिए रात को पेट्रोलियम जेली को बालों की जड़ों में लगाकर सो जाएं। अगले दिन सुबह सिर को अच्छे से शैम्पू से धोलें। ऐसा करने से बालों की जुएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके रोजाना उपयोग से बाल घने, चमकदार और लंबे हो जाते हैं। इसी के साथ नारियल का तेल बालों की जुओं को भी खत्म करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल के तेल को अपने सिर में अच्छी तरह से मालिश करके लगा लें। ऐसा करने से न केवल बालों के सेहत में सुधार होता है, साथ ही साथ जुओं का भी उपचार हो जाता है। इस तेल का लगातार उपयोग नई आने वाली जुओं को भी खत्म कर देता है, जिससे सिर में जुओं का बढ़ना रुक जाता है और सिर बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स एक दिन में जू भगाने का रामबाण घरेलू नुस्खा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकती हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।